मुझसे कमेंट में भी किसी ने पूछा है, और ये MCQs में ही आते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये ईजीएस्ट क्वेश्चन है, इतना लंबा चौड़ा इसका मेथड नहीं है, लेकिन हाँ लॉजिकल क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहे हैं, अ बॉय गोज़ फ्रॉम 10 मीटर मार्क टू 12 मीटर एंड बैक टू 10 मीटर मार्क इन 3 सेकेंड, इट वेलोसिटी इज़। देखिए यहाँ पर अगर जस्ट सपोज मैं मार्क लगा देता हूँ 0 to 12, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब कह रहे हैं कि एक बॉय ने मूव करना शुरू किया 2 मीटर मार्क से, मीन्स दैट यहाँ से इसने मूव करना शुरू किया कहाँ तक, 12 मीटर तक, यहाँ से मूव करता करता ये यहाँ तक आ गया, तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 से 12 तक 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर आगे और कह रहे हैं एंड बैक टू 10 मीटर मार्क, फिर ये दोबारा 10 मीटर मार्क तक वापस आ गया, इसका मतलब 2 मीटर का डिस्टेंस इसने और ट्रेवल किया, 2 मीटर का और ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस जो मेरे पास आया वो कितना आया, 12 मीटर। 12 मीटर जबकि टाइम दे रहे हैं कितना, टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड। अब इसकी वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अब याद रहिए रखिए कि ये एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा 12 अपॉन 3, तो इसका आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ये वाला MCQs, ये वाला जो न्यूमेरिकल है, ये MCQs के तौर पर आता है।